आई एम विजय कुमार, मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लेक्चर समझ आए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थ्रोम्बोसिस, ये पार्ट वन है मेरे लेक्चर का, तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन द सर्कुलेशन फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोइंग ब्लड, किसी ब्लड वेसल्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं उनसे अगर सॉलिड मास बने उसके अंदर तो दैट इज़ नोन एज थ्रोम्बोसिस। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। विट्रो, अगर बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप ऐसे ब्लड को क्लोट करा रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज ब्लड क्लोट, जबकि इनसाइड द ब्लड वेसल्स, इनसाइड द बॉडी, इट इज़ नोन एज थ्रोम्बोसिस। इटायोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं कॉजेज, क्या कॉजेज हैं, तीन कॉजेज है, एंडोथीलियल इंजरी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो एंड ब्लड हाइपरकोएगुलेबिलिटी, जिसके हम बोलते हैं वर्चोस ट्रायड। तो ये ट्रायड तीन चीज़ों का बना हुआ है, तीनों की वजह से थ्रोम्बोसिस होता है। एंडोथीलियल इंजरी से ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है और एबनॉर्मल ब्लड फ्लो से एंडोथीलियल इंजरी हो जाती है, कैसे बताऊंगा आपको। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो से ब्लड के अंदर हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो जाती है और इंजरी की वजह से भी ब्लड के अंदर हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो जाती है। तीनों हैं क्या, डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंडोथीलियल इंजरी, जब डैमेज होगा एंडोथीलियम का, एंडोथीलियम के नीचे सब एंडोथीलियल, सब मींस नीचे, एंडोथीलियम के नीचे जो ECM है वो एक्सपोज हो जाएगा। ECM एक्सपोज होने की वजह से वहाँ स्टिक होने शुरू हो जाएंगे प्लेटलेट्स, एडहेशन ऑफ प्लेटलेट्स टेक प्लेस देयर, जिसकी वजह से बनेगा थ्रोम्बस। अब ये प्लेटलेट्स कैसे थ्रोम्बस बनाएंगे बताऊंगा आपको आगे। रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर्स, टिश्यू फैक्टर्स जो है वो निकलेगा, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन जहाँ हुई है इंजरी की वजह से टिश्यू फैक्टर निकलेगा, जैसे दैट इज़ फैक्टर 3 थ्रोम्बिन, और जो शुरू करेगा कोएगुलेशन कास्केड को, जिसकी वजह से होगी वहाँ पे कोएगुलेशन, प्लेटलेट और दूसरा ही कोएगुलेशन मिल के बनाएंगे थ्रोम्बस। कैसे बनाएगा ये प्लेटलेट थ्रोम्बस को बताऊंगा आपको। ये मैंने यहाँ लिखा है डिस्टर्बेंस इन बैलेंस ऑफ प्रो थ्रोम्बोटिक एंड एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म। प्रो थ्रोम्बोटिक जो कोएगुलेशन कराते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक जो कोएगुलेशन को तोड़ते हैं, दैट इज़ फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स। अगर कोगुलेशन कराने वाले बढ़ गए तो दे विल लीड टू डिस्टर्बेंस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और जब ये कोगुलेशन घटाने वाले एंटी थ्रोम्बोटिक जिन्हें हम बोलते हैं फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स घट गए, उनकी वजह से भी हो जाएगा थ्रोम्बस। इन दोनों की वजह से जो है वो थ्रोम्बस बनेगा, तो ये एक्स्ट्रा कोज के अंदर आते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म अब आप जान लीजिए, फिब्रिनोलिटिक एजेंट जो है हमारा हेपरिन प्लाज्मिनोजन, हेपरिन नॉर्मली ही लो कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन अगर और लो हुई तो दिक्कत वाली सिचुएशन हो सकती है, हमारे एंटी थ्रोम्बोटिक मैकेनिज्म घट जाएंगे जिसकी वजह से कोगुलेशन होगी ब्लड वेसल्स के अंदर। प्लाज्मिनोजन जो है वो प्लाज्मिन को एक्टिवेट करता है, ये प्लाज्मिन फिब्रिन क्लोट को तोड़ के FDPs में चेंज करता है। ये प्लाज्मिनोजन जब नॉर्मल कंसंट्रेशन में है और घटना शुरू हो जाए तो प्लाज्मिन को घटा देगा, जिसकी वजह से फिब्रिन क्लोट टूटेगी नहीं, FDPs बनेंगे नहीं और फिब्रिन क्लोट बनी रहेगी, दैट इज़ थ्रोम्बस। इंजेक्शन हम दे सकते हैं TPA का या स्ट्रेप्टोकाइनेज का, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन जो कि डिजोल्व करेगा उस फिब्रिनो क्लोट को और थ्रोम्बस को डिजोल्व करेगा, लीडिंग टू मेंटेन द ब्लड फ्लो इन दैट वेसल, या फिर TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, काफ़ी महंगा है STK के इंजेक्शन से, TPA का इंजेक्शन लगाते हैं MI के पेशेंट्स के अंदर जनरली, जो उस फिब्रिन क्लोट को और थ्रोम्बस को डिजोल्व करेगा क्योंकि वो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा, उसका नाम भी है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये था एंडोथीलियल इंजरी के बारे में। ऑल्ट्रेशन इन ब्लड फ्लो अगर मैं आपको बताऊं, जब ब्लड फ्लो धीरे हो जाएगा, स्लोली मूव करेगा, दैट इज़ नोन एज स्टेसिस, या ब्लड फ्लो फास्ट मूव करने लगे, दैट इज़ नोन एज टर्बुलेंस, हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर देखा जाता है। ये स्लो ब्लड फ्लो क्यों हुआ, मैंने आपको यहाँ बताया था इंजरी की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। कैसे स्लो हो जाएगा, जिसके ऊपर भी लेक्चर मैं दे चुका हूँ, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर मैंने आपको बताया था हीमोडायनेमिक चेंजेस के अंदर स्टेसिस ऑफ ब्लड टेक प्लेस, तो यही बात है, वो खून जो है वो स्लो हो जाएगा वेजो डायलेशन की वजह से। इंजरी हुई वहाँ थोड़ी देर के लिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, फिर उसके बाद वो वहाँ वेजो डायलेशन होती है जिसकी वजह से स्लो जो है ब्लड हो जाएगा। नॉर्मल एक्सियल फ्लो जो ब्लड का है वो पेरिफेरल ब्लड फ्लो के अंदर चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस पेरिफेरल ब्लड फ्लो, पहले आप ये जानिए कि नॉर्मल होता क्या है।
सेंट्रल स्ट्रीम में जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दिखे तो वो नॉर्मल ब्लड फ्लो है, उसके साइड वाली स्ट्रीम में आपको प्लेटलेट्स दिखेंगे और जो पेरिफेरल स्ट्रीम है उसके अंदर आपको स्लो मूविंग प्लाज्मा दिखेगा। सो दिस इज अ नॉर्मल लेमिनार ब्लड फ्लो। जब सेंटर में आपको सेंट्रल स्ट्रीम में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दिखे, उसके एडजेसेंट वाले में प्लेटलेट्स दिखे और साइड वाले पेरिफेरल स्ट्रीम के अंदर जो धीरे धीरे चल रहे हैं प्लाज्मा के सेल्स दिखे, इसको डिस्टर्ब करके हमें पेरिफेरल ब्लड फ्लो मेंटेन करना है या फिर टर्बुलेंस जो है जिसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये टर्बुलेंट फ्लो ऐसे हो जाएगा जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो हमारे पेरिफेरी पे चले जाएंगे और सेंटर में आ जाएगा प्लाज्मा हमारा। जो सेल्स पेरिफेरी पे जाएंगे दैट इज प्लेटलेट्स कमिंग टू पेरिफेरी, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनेशन या पेवमेंटिंग। अब ये प्लेटलेट आके फिर पेरिफेरी पे आ गया, पिछले वाले में भी पेरिफेरी पे चला गया था, स्टिक कर गया था, और कैसे थ्रोम्बस बनाएगा बताऊंगा पैथोजेनेसिस के अंदर इसी लेक्चर में। आगे चलते हैं, तीसरा ब्लड हाइपरकोएगुलेबिलिटी जेनेटिकली भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, जन्मजात, या तो फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स जो हैं वो हमारे कम हैं, फिब्रिन क्लोट को तोड़ने वाले कम है, डिफेक्टेड है, या फिर जो क्लोट बनाते हैं कोगुलेशन फैक्टर्स उनकी बढ़त हो गई है, इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर्स, फिब्रोनोजन दैट इज फैक्टर वन, अगर ये सेवंथ फैक्टर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को बढ़ावा देगा, इलेवंथ वाला, नाइन्थ वाला और ये एट्थ वाला इंस्ट्रिक्शन इंट्रिंसिक पाथवे को बढ़ावा देंगे, इनके बढ़ने की वजह से भी जो है प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स के बढ़ने की वजह से ब्लड के अंदर जगह जगह कोएगुलेशन देखने को मिल सकती है। दूसरा एक्वायर्ड की मैं बात करूं, प्रोलोंग्ड इमोबिलाइजेशन, ब्लड अगर ज़्यादा देर तक प्रोलोंग्ड मोबिलाइज ना करे, स्लो हो जाए, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाए, CHF के अंदर देखने को मिलती है, कंजस्टिव हर्ट या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, जब ब्लड पंप करना हार्ट जो है वो ब्लड पंप करना बंद कर देता है, उस कंडीशन के अंदर ब्लड स्लो मूव करेगा और स्लो मूविंग ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा होगा। प्लेटलेट एक्टिवेट हो गया, प्लेटलेट कैंसर ल्यूकीमियास के पेशेंट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है जनरली, या फिर किसी ने कार्डियक वॉल्स लगाई हैं आर्टिफिशियल, दैट इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक कार्डियक वॉल्स, उन कार्डियक वॉल्स के ऊपर जो है प्लेटलेट्स जैसे ही उसके ऊपर टकराएगा, ब्लड जैसे उसके ऊपर टकराएगा, प्लेटलेट एक्टिवेशन जो है वो वहाँ पे हो जाएगी, प्लेटलेट वहाँ जाके चिपक जाएंगे। एक्सटेंसिव बर्न्स के पेशेंट के अंदर जो है प्लेटलेट एक्टिवेशन देखने को मिलती है, लीवर ने ज़्यादा बढ़ाने शुरू कर दिए हमारे प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स, ये जो लीवर है सिंथेसाइज करता है हमारे कोगुलेशन फैक्टर्स को उसने ज़्यादा बनाने शुरू कर दिए, एंटीकोएगुलेंट्स की कमी हो गई, दैट मींस प्लाज्मिन की कमी होगी, प्लाज्मिनोजन की कमी होगी, हेपरिन की कमी होगी ड्यू टू ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़, ये जो इमोबिलाइजेशन इसने की है ब्लड की उसकी वजह से स्टेसिस होगी और ब्लड जो है वो पेरीफ्री पे आके लग जाएगा। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे आपने देखा होगा प्लेटलेट्स पेरीफ्री पे आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा एडिशन ऑफ द प्लेटलेट्स, फिर आपने यहाँ देखा प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन के अंदर स्टेसिस हो गई, ब्लड धीरे धीरे चल रहा है, पेरीफ्री पे आ गया, पेरीफेरल फ्लो मेंटेन कर रहा है, प्लेटलेट्स पेरीफ्री पे आ गए, जिनकी वजह से अल्टीमेटली थ्रोम्बस बन रहा है। ये होता कैसे है, प्लेटलेट एक्टिवेशन होती कैसे है, एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स टू द डैमेज साइट, वही पेरीफ्री पे आके लग गया प्लेटलेट, जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन। अब ये है क्या चीज़, प्लेटलेट रिलीज करना शुरू करेगा थ्रोम्बोक्सेन A2 और साथ ही में रिलीज करेगा ADP, ये थ्रोम्बोक्सेन A2 रिवर्सिबल ढीला ढाला लूज प्लेटलेट प्लग्ड जो है वो बना देगा उस साइट ऑफ इंजरी पे, ये ADP जब कन्वर्ट होगा ATP के अंदर, ये लूज प्लेटलेट प्लग खुद कन्वर्ट करेगा ADP को ATP में, ATP और साथ ही साथ ये थ्रोम्बिन जो टिश्यू फैक्टर है टाइप 3 फैक्टर 3 विच इज टिश्यू फैक्टर, टिश्यू का जब डिस्ट्रक्शन हुई वहाँ से निकला, सेल्स के अंदर से निकला थ्रोम्बिन, ये दोनों मिलके इस रिवर्सिबल प्लेटलेट प्लग को चेंज कर देंगे लार्ज विच इज टाइट सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग विच इज इमोबाइल और वो हिलेगा नहीं वहाँ से, दैट इज अ थ्रोम्बस, वेसल के अंदर जो है इसने चौक कर दिया, ब्लॉकेज कर दी और फिब्रिनस के अंदर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, दैट मेक इज इमोबाइल। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अगले लेक्चर में बताऊंगा थ्रोम्बोसिस की क्लासिफिकेशन, आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में बताऊंगा, पोस्टमार्टम क्लोट और थ्रोम्बोसिस के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा। थैंक यू।